अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक। तीन नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अल्ताफ हुसैन के असासों और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक बीबीसी पर खुसूसी प्रोग्राम। एमक्यूएम राबिता कमेटी का कहना है कि बरतानवी नशरियाती इदारे पर अल्ताफ हुसैन की बात को गलत अंदाज से पेश किया गया। कायद पर कल भी एतमाद था, आज भी है। तौकीर सादिक को वादा मुआफ गवाह बनने की पेशकश वापस। तवानाई पर आला सतह की कमेटी ने तफ्तीश से आगाही के लिए नैब की टीम को तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख पर खुद कुछ हमला। पुलिस और हसास इदारों का अहम इजलास कल तलब। मिलने वाले शवाहिद नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इस्लामाबाद भेज दिए गए। वफाकी वजीर रेलवे का मुसाफिरों के लिए रमजान पैकेज। जाफर एक्सप्रेस के किराए में 33% कमी कर दी गई। और टूर डी फ्रांस का 12वां मरहला जर्मनी के साइक्लिस्ट ने जीत लिया। खौफनाक हादसे ने रेस को सनसनीखेज बना दिया। खबर की दुनिया से फिलहाल इतना ही। किसी भी वक्त ताजा तरीन खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए दुनिया न्यूज़.टीवी। दुनिया से बाखबर रहने के लिए दुनिया के साथ रहें।